नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नेशनल टुडे 24 में। और इस वक्त की खबर फरखाबाद से बताई जा रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फरखाबाद से आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते शमशान घाट पर फेंकी जा रही है पीपीई किट। कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं स्वास्थ्य कर्मी, जहाँ अंतिम संस्कार करने के बाद वही खुले में फेंक देते हैं पीपीई किट उतार कर। पीपीई किट को नहीं करते डिस्पोज न करने से फैल सकता है तेजी से संक्रमण रोग। हजारों की तादाद में शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचती है भीड़। शमशान घाट पर 90 के करीब शवों का रोज हो रहा है अंतिम संस्कार। शहर कोतवाली क्षेत्र के पंचाल घाट शमशान का ये मामला है। फरखाबाद से रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। रंजीत जी, जो यहाँ कोरोना पॉजिटिवों को सब जलाए जाते हैं, उनकी जो किटें फेंक दी जाती हैं, क्यों आप उनको उनसे कहते नहीं जला दीजिए इनको? हम उनसे कहते हैं तो वो कदम जला रहे हैं, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? अगर इससे आप बीमार पड़ गए तो? हम तो आदमी, यहाँ 50 आदमी है, हम किसी से कहें भी तो हम पर चढ़ बैठते हैं हमारे ऊपर। हम अकेले आदमी, मगर हम अपनी सुविधा पर हम इकट्ठे कर हम जला देते हैं सब। लगभग कितने मरीज आ रहे हैं पड़े यहाँ जलने के लिए कोरोना? 50-60 आ रही है सारी टोटल। कोरोना के कितने मरीज आ रहे हैं सब? ज्यादा आज तो 3 आई कोरोना की, आज 3 आई है, तो कहीं ना कहीं संख्या बड़ी है। आज तो लगभग 80-85 का लेवल है। हाँ हाँ, इधर हाँ 80-85 है आज। 80-85 आज है दोनों तरफ लगा के इधर उधर सब। जो पहले 20-25 आती थी, आज उनका लेवल कहीं ना कहीं बड़ा है। हाँ।